पिछली कक्षाओं में बड़ी संख्याओं को 10 के घात के रूप में लिखना सीख चुके हैं। जैसे ये पृथ्वी का भार है, देखिए कितनी बड़ी संख्या है। इसे मानक रूप में हम किस तरह से लिखते हैं? 5.97 × 10^24। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो है 10^24, इसमें ये 10 क्या है? आधार, इसे आधार कहते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे बेस, और इसे हम कहते हैं घातांक, और इंग्लिश में इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। और इसे हम पढ़ते हैं 10^24 या 10^24। साथ ही हम जानते हैं कि यदि 2 का घात हम 4 लिखें तो इसका अर्थ ही हो जाता है 2 × 2 × 2 × 2, अर्थात 2 × 4 × 8 × 16। ठीक इसी तरह से इसे जनरलाइज करते हैं तो किसी भी आधार, यहां हमने 2 लिया है, किसी भी आधार का घात अगर m है तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये 2 × 2 × 2, जो भी आधार हो ये m बार गुना होगा, और इनका जो भी मान होगा उस हिसाब से इसका मान निकलेगा। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ये 4 या m हमने जो लिया है ये, या यहां 24, ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। अगर हम घात के रूप में ऋणात्मक संख्या लें, कोई भी ऋणात्मक संख्या, तो उसका मान क्या होगा? क्या जो नियम है घात के, क्या यहां भी लागू होगा? आइए इन सभी प्रश्नों का जवाब हम ढूंढते हैं इस कक्षा में। ऋणात्मक घातांकों के घात, हम जानते हैं कि 10^2 बराबर होता है 10 × 10 = 100। 10^1 यानी 10, अर्थात 100/10। 10^0 अर्थात 1, ये इसका अर्थ क्या हो गया? 10/10। अब इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये है हमारा आ गया 10^-1, तो ये क्या होगा? 1/10। हम देख रहे हैं कि हर हर स्टेप में हम 10 से भाग दे रहे हैं, तो यहां भी हम 10 से हमने भाग दिया, इसे हम 10^1 भी लिख सकते हैं। अब इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं 10^-2, तो ये क्या हो गया? 1/10, और फिर इसमें हम 10 से भाग देते हैं तो ये हो गया 1/10 × 1/10 = 1/10 × 10, अर्थात 1/10^2। इस पैटर्न में हम और आगे बढ़ते हैं तो 10^-3, तो क्या होगा? यहां हम देखे थे 1/10^2 इस पैटर्न में, तो यहां पर क्या होगा? 1/10^3। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 10^-4 = 1/10^4। अब हम दूसरे आधार पर लेते हैं, आधार 2 लेते हैं, तो 2 का घात अगर हम 4 लेते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 2, अर्थात ये 2 × 4 × 8 × 16। 2 का घात 3, अर्थात कितना हो गया? 2 × 2 × 2, अर्थात 16/2। 2 का घात 2,
अर्थात 2 गुना 2 अर्थात ये कितना हो गया, ये कितना हो गया था, 8 हुआ था, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 यानी 4, 2 का घात 1 यानी 2 अर्थात 4/2, 4/2 ठीक है। 2 का घात 0 अर्थात 1 अर्थात 2/2। अब इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं तो 2 का घात -1, तो हम देख रहे हैं हर बार हम 2 से भाग देते जा रहे हैं, तो यहां भी होगा 1/2, पुनः 2 का घात -2, तो क्या हो जाएगा इस पैटर्न में, 1/2 का घात 2। और इसी पैटर्न में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2 का घात -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 2 का घात 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऋणात्मक अगर घात लेते हैं तो ये क्या होता है, इसको जनरलाइज अगर हम करते हैं कि किसी भी आधार और घात के लिए, तो ये जनरलाइज फॉर्म इस तरह से होगा, a/b और इसका घात -m बराबर b/a का घात ये हमारा हो गया ऋणात्मक घातांकों का घात। दशमलव संख्या पद्धति, हम लोग एक संख्या 1425 इसे प्रसारित रूप में लिखना सीख चुके हैं, तो ये कैसे लिखते थे, 1 गुना 1/3 0, चूंकि ये 1000वें स्थान पर है इसलिए 1000 से गुना करते हैं, जोड़ 4 गुना 100, जोड़ 2 गुना 10, जोड़ 5 गुना 1, और इसे हमने कैसे लिखा था, 1 गुना 10 का घात 3, जोड़ 4 गुना 10 का घात 2, जोड़ 2 गुना 10 का घात 1, जोड़ 5 गुना 10 का घात 0, ये हम पहले सीख चुके हैं। अब एक दशमलव वाली संख्या लेते हैं, 1425.36, तो इसे हम प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये जो पूर्ण संख्या है इसे तो ठीक ऐसे ही लिखेंगे, 1 गुना 10 का घात 3, या इधर से शुरू से ही लिखते हैं, 1 गुना 1000 जोड़ 4 गुना 100 जोड़ 2 गुना 10 जोड़ 5 गुना 1, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद ये दशमलव वाला है, तो यहां क्या करेंगे, ये 3 का अर्थ क्या हुआ, ये दशमलव 3, तो दशमलव 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3/10, और ये जो 6 है तो इसका मतलब ये इसका स्थानीय ये मान क्या हो जाएगा, ये 0/6, तो इसकी ये हो गया 6/100। अर्थात ये 1 गुना 10 का घात 3 जोड़ 4 गुना 10 का घात 2 जोड़ 2 गुना 10 का घात 1 जोड़ 5 गुना 10 का घात 0, और ये जो है इसके बाद वाली 3/10 को हम लिख सकते हैं, 3 गुना 1/10 जोड़ 6 गुना 1/100, अर्थात ये हो गया 1 गुना
दस का घात तीन जोड़ चार गुना दस का घात दो जोड़ दो गुना दस का घात एक जोड़ पांच गुना दस का घात शून्य जोड़ तीन गुना एक बटा दस का घात एक जोड़ छः गुना एक बटा दस का घात दो। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2। तो ये हो गया 1 गुना 10 का घात 3 जोड़ 4 गुना 10 का घात 2 जोड़ 2 गुना 10 का घात 1 जोड़ 5 गुना 10 का घात 0 जोड़ 3 गुना यहां पर हम देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऋणात्मक संख्याओं का घात देखा था, तो ये क्या होगा 10 का घात माइनस एक और ये होगा 6 गुना 10 का घात माइनस दो। तो इस तरह से दशमलव संख्याओं को संख्याओं का प्रसारित रूप हम लिखते हैं। पिछली कक्षा में हमने घातांक के कई नियम पढ़े थे जिसे हमने धनात्मक घातांकों के लिए प्रयोग किया था। अब प्रश्न है कि क्या ऋणात्मक घातांकों पर भी यह नियम लागू होता है? आइए जांच करके देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 का घात माइनस 3 गुना 2 का घात माइनस 4, ये क्या होता है? चलिए, तो 2 का घात माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 का घात 3 गुना 2 का घात माइनस 4 को 1 बटा 2 का घात 4। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये होगा 1 बटा 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4 और ये 1 बटा, चूंकि ये एक आधार है और एक आधार, दोनों का आधार एक ही है, ये भी 2 है ये भी 2 है और इनका गुना हो रहा है, तो ये पहले नियम के अनुसार इनका घातांक जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 जोड़ 4, तो ये हो गया 1 बटा 2 का घात 7। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये नियम पढ़ा है, a बटा b का घात माइनस एम इक्वल टू बी बाई ए का घात m। तो इस नियम के अनुसार ये हो जाएगा 2 का घात माइनस 7। अर्थात हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2 का घात माइनस 3 गुना 2 का घात माइनस 4 बराबर आ गया 2 का घात माइनस 7। तो इसका अर्थ यह कि यह नियम, घातांक का यह नियम इस पर लागू हो रहा है, यानी ऋणात्मक घातांक पर भी घातांक के नियम लागू हो रहे हैं। अन्य अगर नियमों की हम जांच करेंगे तो हम पाएंगे कि ये नियम भी ऋणात्मक घातांकों पर लागू हो रहे हैं।